दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम रूम में। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की यहाँ पे यानी एसएससी की भर्तियाँ आ चुकी है, फेज 9 की ये भर्तियाँ हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 10वीं पास और 12वीं पास दोनों के लिए यहाँ पे जॉब है, तो दोनों यहाँ आवेदन कर सकते हैं, 10वीं पास भी और 12वीं पास भी। ये जो आपकी भर्तियाँ आई है ये आज ही रिलीज हुई है, आज से ही इसके आवेदन स्टार्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, पूरा का पूरा इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आज ही रिलीज हुआ, इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है, ठीक है, वो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पे जो है इसमें जो जॉब्स आई हैं, इसमें जो वैकेंसीज आई हैं वो 3200 आई हैं, यानी कि 3200 आई हैं, ठीक है, 3200 यहाँ वैकेंसी आई है, प्लस वैकेंसी आई है, 3200 प्लस वैकेंसी यहाँ पे आई है, जिसको जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हो, 10वीं वाले भी 12वीं वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे कुछ बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट रहेंगी, देखिए यहाँ पे कई सारी यहाँ पोस्ट रहेंगी, ठीक है। अब मैं एक एक करके तो नहीं बताऊंगा यहाँ पे पोस्ट कौन कौन सी है, तो यहाँ बहुत सारी पोस्ट है, इंस्पेक्टर से लेकर क्लर्क तक बहुत सारी यहाँ पे पोस्ट है, जो कि आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ पोस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सपीरियंस बहुत कम पोस्ट के लिए मांगा गया है, पर जो बाकी सभी पोस्ट है वो फ्रेशर्स के लिए है, तो यानी फ्रेशर यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 3200 यहाँ वैकेंसी और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी है। देखिए ये सीजीएल और आपका 10+2 सीएचएसएल से अलग वैकेंसीज हैं, आपकी एसएससी जो निकालता है, ठीक है, फेज 9 की वैकेंसीज हैं ये, इसका नोटिफिकेशन दोस्तों आज ही निकला है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूँ शुरुआत में ही, देखिए आप लोग जो है इसके लिंक जो अवेलेबल है 24 सितंबर से अवेलेबल थे और 25 अक्टूबर तक इसके रहेंगे, 25 अक्टूबर तक यहाँ पे आपका इसका लिंक रहेगा, 25 अक्टूबर तक, और यहाँ पे आप लोग 24 सितंबर से इसके आवेदन स्टार्ट हो गए हैं, इसे आवेदन तुरंत कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आपका जो फेज 9 है उसका रिक्रूटमेंट है। अब यहाँ पे 3261 वैकेंसी टोटल है, इतनी वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है, 24 सितंबर से आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आवेदन, ठीक है, 25 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, तो शुरुआत में ही कर लो, बाद में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, वेबसाइट आपकी लोड लेती है, ट्रैफिक हो जाता है उसमें, और भी कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो इसे शुरुआत में ही आप लोग भर लीजिएगा अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो। इसका आवेदन आप लोग केवल ऑनलाइन करोगे, ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे जो है आपके लिए मैं एक बात आपको और क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे आप 24 सितंबर से भरते हो उसका आवेदन करते हो 25 अक्टूबर तक, तो यहाँ पे जो ऑनलाइन फी है वो आप 28 अक्टूबर तक भर सकते हो, ठीक है, रात के 11:30 बजे तक, ठीक। यहाँ पे अगर आप चालान के माध्यम से करते हैं, ऑफलाइन चालान द्वारा भी यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, वो भी आप 28 तारीख तक कर सकते हो रात के 11:30 बजे तक। यहाँ पे जो है पेमेंट आपका चालान के जो बैंक का रहेगा, आपका जो भी टाइमिंग रहेगा वर्किंग आवर, उसमें आपको चालान आपको जमा करना पड़ेगा। जैसे वर्किंग आवर जो होता है आपका बेसिकली जो होता है सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, इतना ही वर्किंग आवर होता है जब चालान जमा होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर बैंक में जाकर जा सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज आई हैं, आप यहाँ पर किन किन रीज़न के लिए वैकेंसी आई ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किस रीजन के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं एक एक करके कवर करूँगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एसएससी के रीज़न भी बताऊँगा, एसटी और जो स्टेट्स हैं और यूटी जो से इस रीजन के साथ हैं, और जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं क्या रहेंगे, वैकेंसी कितनी है। देखिए अगर आप सेंट्रल रीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बिहार और यूपी को ये कवर करता है। यहाँ पे अगर आप लोग इसके लिए भरते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर आपका प्रयागराज जाएगा या पटना जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश वालों का प्रयागराज जाएगा और पटना आपका बिहार वालों को जाएगा। तो यहाँ पे 203 यहाँ पे टोटल वैकेंसी है, 203 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। अगर हम ईस्टर्न रीजन की बात करें, जो ईस्टर्न रीजन होता है आपका, ठीक है, ईस्टर्न रीजन जो होता है आपका, उसमें आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल आता है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए भरते हो तो कोलकाता, भुवनेश्वर और पोर्ट ब्लेयर, रांची, इसके आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। तो यहाँ पे 355 इसके लिए आपकी वैकेंसी हैं, तो आप लोग चाहें इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन सेंट्रल रीजन में काफ़ी टफ रहेगा। अगर आप कर्नाटका, केरला रीजन के लिए करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केकेआर रीजन, ये केकेआर रीजन होता है आपका ये, तो केकेआर रीजन में आपका लक्षद्वीप रहता है आपका, केरला रहता है आपका, कर्नाटका रहता है, इसमें जो अगर आप इन स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं, इस रीजन के लिए अप्लाई करते हैं केकेआर रीजन के लिए, तो आपका बेंगलुरु और थिरुवनंतपुरम आपका जाएगा। केवल यहाँ 22 वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी बहुत कम है यहाँ पे।
अगर आप लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो यहाँ बेसिकली कर्नाटका केरला वाले ही कंपटीशन में आते हैं, लक्षद्वीप वाले बहुत कम आते हैं कंपटीशन में यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश अगर सब रीजन की बात करें, एमपीआर की जो है आपका रीजन है उसमें छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आता है, केवल यहाँ पे 23 वैकेंसी है, तो भोपाल और रायपुर यहाँ पे आपके कवर होते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी एनईआर रीजन की बात करूँ, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो गुवाहाटी हो गया, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला, कोहिमा, 28 यहाँ पे इनके लिए वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए 28 इनकी वैकेंसी है। अब दोस्तों यहाँ पे आता है, देखिए ये जो है नॉर्थन रीजन आता है, नॉर्थन रीजन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी है, 657 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पे 657 वैकेंसीज है टोटल, दिल्ली, देहरादून, जयपुर जिसका आपका जो रहेगा एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, क्योंकि ये दिल्ली और राजस्थान और आपका उत्तराखंड को कवर करता है, तो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड वाले यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। और भी स्टेट वाले और जगह से ही भर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अपना अपना रीज़न होता है, आप लोग भर सकते हैं, नॉर्थन रीजन से आप भरना चाहते हैं, उससे भरना चाहते हैं, तो वो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इस तरीके से रहता है, आप लोग किसी भी रीजन से भर सकते हैं, सेंटर का एग्ज़ाम होता है ये। 657 यहाँ पे आपकी टोटल वैकेंसी है, तो मैं यही कहूँगा नॉर्थन रीजन के लिए अप्लाई कर लो, यूपी वाले भी इसी को ही अप्लाई करना, वो चाहे तो ऊपर वाले रीजन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन का जो है आपका, उसमें आपका NWR आता है आपका, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू, श्रीनगर और हमीरपुर, इसका आपका सेंटर रहेगा। इसकी अभी वैकेंसी नहीं बताई गई, इसकी वैकेंसी अभी गोपनीय है, ध्यान रखना। तो इसकी वैकेंसी कितनी आती है डिपेंड करता है आपका, जितने भी SSC बताता है। साउथ रीजन में आपकी बात करें, काफ़ी कम वैकेंसी है आपकी, 39 वैकेंसी है साउथ रीजन आपका जो होगा आपका, वो आपका आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना कवर करेगा, चेन्नई, हैदराबाद और आपका विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। 32 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। वेस्टर्न रीजन की बात करें, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तो मुंबई, अहमदाबाद इसके आपके सेंटर रहेंगे। 89 यहाँ पे टोटल वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप लोग इस वैकेंसी के लिए भरना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसकी है 657, तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। बाकी जगह कंपटीशन काफ़ी टफ रहेगा, पर लेकिन अगर आप लोगों को लगता, मैं मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, तो मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप लोगों को इन्हीं रीज़न के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक तो ये वाला आपका रीज़न हो गया, कौन सा, ईस्टर्न रीज़न, क्योंकि यहाँ पे 355 वैकेंसीज है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन के लिए अप्लाई करना तो इन्हीं रीजन के लिए करना आप लोग, और आपका जो 657 वैकेंसी जिसमें है आपकी नॉर्थन रीजन में, उसके लिए आप लोग अप्लाई करने का, ठीक है। ये दो रीजन है आपके जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी उसमें वैकेंसी बहुत कम है दोस्तों, आपको ही पता है कॉम्पिटिशन यहाँ पर बहुत टफ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए मैंने आपसे अगर पढ़ाई में बताऊं, मैं आपको जो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए 10वीं और 12वीं यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं मांगा है। ग्रेजुएशन की कुछ पोस्ट होंगी, वो देख लेना आप लोग, ठीक है। तो आप लोग देख लेना अपने हिसाब से जैसा भी रहता है। यहाँ पे सबसे पहला यही है कि आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, ठीक है, ये आपका यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और भी यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, आप लोग उसके विस्तार में चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई होता ही नहीं है, इंडिया वाले ही वैसे भरते हैं। एज लिमिट 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है, ये जनरल वालों के लिए है। SC वालों के लिए 5 साल का रिजर्वेशन, वो 35 साल तक भर सकते हैं, और OBC के लिए 3 साल का, वो 33 साल तक भर सकते हैं। PWD के लिए आपका 40 साल तक, ठीक है। PWD अगर OBC से है तो आपका 43 इतना रहेगा, आपका 13 साल का आपका मिल जाएगा, और आपका PWD SC ST से है तो 15 साल का, 45 साल का आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 साल आपका जो है एक्स सर्विस मैन का आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा मिलिट्री सर्विस से, अगर एक्स सर्विस मैन होता है, ठीक है, इस तरीके से आपका रखा गया है। तो आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा। वैसे एज लिमिट जो है आपका 18 साल से लेकर 30 साल तक रखी गई है, और जो डाइवोर्सी या विडो वूमेन है उसके लिए भी यहाँ पे 35 साल तक रखा गया है, ठीक है, ये आपका रखा गया है। अगर SC ST से है तो 40 साल तक रखा गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, आपका पास 10वीं या 12वीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात हम फीस की कर लेते हैं दोस्तों। फीस यहाँ पे 100 रुपीज़ है। अब 100 रुपीज़ किसके लिए है? 100 रुपीज़ आपका EWS, OBC और UR यानी कि सामान्य वर्ग के लिए, और आपका ये जो OBC होते हैं और EWS होते हैं उनके लिए है आपके, ठीक है। वहीं आपके जो SC ST हैं, ठीक है, या PWD हैं और ESM है, एक्स सर्विस मैन है, तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि SSC का एग्ज़ाम है तो यहाँ पे वुमेंस के लिए यानी लड़कियों के लिए कोई फीस नहीं है। तो लड़कियाँ सभी आवेदन करें, किसी भी कैटेगरी की हैं, जनरल की हैं आपकी, OBC की हैं, SC की हैं, ST की हैं, उन सब के लिए फ्री है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लड़कियाँ भरें, क्योंकि यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो वो है,
यहाँ पे पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आवेदन यहाँ पे कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे फीस जो है 28 अक्टूबर तक 11:30 बजे तक आप लोग यहाँ पे भर सकते हो। यहाँ पे सैलरी के बारे में आपको बताऊँ तो मैं यहाँ पे सैलरी यहाँ पे आपकी देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अगर देखिए, अगर सैलरी के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप खुद सोचिए यहाँ पे जो है 10वीं से लेकर 12वीं और ग्रेजुएशन वाली सारी जॉब्स हैं। अब यहाँ पे इतने सारे जो अलग अलग पोस्ट हैं उनकी अलग अलग सैलरी रहेगी अपने अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर की जो सैलरी रहेगी आपकी 60,000 से ऊपर जा सकती है, ठीक है, 50,000 से ऊपर जा सकती है। जो आपका असिस्टेंट रहेगा उसकी 40-45,000 तक जा सकती है। तो ये आपकी यहाँ पे आप लोग मान के चलिए दोस्तों, इतना आप लोग मान के चलिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर रखा गया है। अभी यहाँ पर जो है आपका जो कट ऑफ मार्क्स भी बताया गया है कि आपका UR का 35% रहना चाहिए, OBC और EW का 30%, बाकी सभी का 25% आपका रहना चाहिए। जो आपका एक इसका CBT होगा, जैसा आपका सेम होता है CGL और CHSL में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। आपका एडमिट कार्ड सेम उसी तरीके से आता है यहाँ पे CGL की तरह, CHSL की तरह। तो आप लोगों को सेम उसी तरह ही आवेदन करना है जैसा आप लोग CGL और CHSL के लिए करते हैं और भी MTS के लिए करते हैं, सेम वैसे ही आपको आवेदन करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन जो आपका ID होता है उससे ही आपको लॉगिन करना है, अपनी डिटेल भरनी है, फीस सबमिट करनी है, फोटो अपलोड करनी है, इन्फॉर्मेशन अपनी डालनी है सारी, यही आपको यहाँ पर करना है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधे तौर पर यहाँ पर बता रखा है हर एक कैटेगरी पोस्ट के लिए 1:20 में आपका यहाँ पे लिया जाएगा 5 वैकेंसीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे 1:20 में आपका लिया जाएगा 5 वैकेंसीज़ के लिए, 5 वैकेंसीज़ के लिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, यानी कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1:20 का आपका यहाँ पे रेशियो रहेगा, ठीक है, 5 वैकेंसीज़ के लिए। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप लोग जब आवेदन करोगे सीधे आप लिंक पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है लिंक, क्लिक करना है SSC में, इसका आपको होम पेज पे चले जाओगे आप लोग। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपना, जिसे हम कहते हैं OTR आपको करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने SSC का पहले कोई एग्ज़ाम दिया तो आपका OTR होगा, आपका रजिस्ट्रेशन ID जो होगा, पासवर्ड जो होगा, वही आपका रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो आप सीधे एप्लीकेशन फॉर्म को जाके अपने लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पहली बार हैं तो आप OTR आपको करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, email ID होनी चाहिए जो कि आपकी खुद की होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग इसको OTP करने के बाद मोबाइल नंबर, email ID डालोगे, अपना रजिस्टर कर लोगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पे लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल आप केवल 2 बार चेंज कर सकते हो दोस्तों। अगर बेसिक डिटेल जो डालते हो, जैसे नाम, मान लीजिए मेरा नाम नवीन है या मेरा नाम सुरेश है, ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम सुरेश है, ठीक है, तो मैंने अपना सुरेश कुमार मेरा जैसा नाम है, या मैंने इस कुमार की जगह मेरे को करना था अपना सिंह करना था, तो वो गलत हो गया, तो मैं आप यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, पर केवल 2 बार यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा। अगर मैंने दूसरी बार गलत कर दिया तो मेरा फिर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो बहुत संभल के रजिस्ट्रेशन करना, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होता है आपका 10th का जो आपका रोल नंबर होता है उससे लिया जाता है, उसकी हेल्प से यहाँ पे लिया जाता है, उससे बनाया जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोग्राफ आपकी 20KB से 50KB तक होनी चाहिए, ठीक है, और सिग्नेचर आपकी 10KB से लेकर 20KB तक आपकी साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। हाइट आप लोग देख लीजिएगा, आपके जो फोटो होनी चाहिए, चश्मा मत लगाना, गॉगल्स मत लगाना, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के पीछे, ठीक है, वाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, या सिंपल मतलब आपका जो फोटो होना चाहिए अच्छा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए और 3 महीने पुराना होना चाहिए, इससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए वरना बाद में आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सिग्नेचर क्लियर होने चाहिए, एकदम अच्छे फ़ोन से ले लेना वरना स्कैन करा लेना, ठीक है, अच्छी तरह करना सिग्नेचर, एक जो सिग्नेचर आप यूज़ करते हो वही आप यूज़ करना, पेमेंट कर लेना, फीस सबमिट कर देना, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है, और अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसका जो सिलेबस है मैं आपको जल्दी इसका दे दूंगा सिलेबस, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सिलेबस का, ठीक है, क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा। वैसे सिलेबस इसका सेम ही रहता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो पूरा इसके बारे में जानकारी मैंने दे दी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।